कैसा लगा ये लुक आपको? आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, एफ हल्दी या पार्टी गेस्ट मेकअप कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आज बताती हूँ कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ टोनर लिया है। आप कोई सा भी टोनर ले सकते हैं। मैंने यहाँ रूट्स पर का नॉर्मल टोनर लिया है, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद मैंने पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर लिया है और उसे अपने अच्छे से फेस पर अप्लाई कर लिया। ये सिलिकॉन बेस है, अच्छा प्राइमर है, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैंने बटन वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ किया है और इसे अपने चेहरे पर अच्छे से मैंने थोड़ी सी अप्लाई कर ली है। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे आपका आईशैडो पैलेट लिया है और ब्रश से मैं इसे अपने आईलिड एरिया पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पहले थोड़ा सा डीप सेड लिया था ताकि हल्का मेरे आईलिड पर अच्छे से इसका बेस तैयार हो जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने इसे अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। माइंड ब्लोइंग इसका पूरा अच्छा लुक आया था, आप देख लीजिएगा। और मैं ना बार बार वीडियो को पॉज कर रही थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया है। तो अगर मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे साथ कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ गोल्डन कलर का लिया है, या येलो कह सकते हैं आप। येलो साड़ी थी तो येलो कलर का मैंने ले लिया। अच्छा बताइए तो मेरे बैंगल्स कैसे लग रहे थे? फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह के बैंगल्स पहने हैं, तो आप बताओ कैसा लग रहा था मेरे बैंगल्स। उसके बाद मैंने येलो कलर का उसके अपने आईलिड एरिया पर अच्छे से ऐसे कवर किया था उसी आई शेडो पर, ताकि अच्छा सा लुक लग सके। और उसके बाद मैंने एनआईवे का आईलाइनर यूज़ किया है, और एनआईवे का आईलाइनर ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट रह चुकी है, क्योंकि इससे मुझे बीन्स निकालना बहुत ही आसानी से निकल जाती है मुझे। और एप्लीकेटर इतना अच्छा है कि आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पर्पल से ये आसानी से आपको अवेलेबल है, वहाँ पर वहीं पर आपको ये मिल जाती है, तो अच्छी सस्ती है। और लेकिन इसका जो आप लॉन्ग लास्टिंग ये चलती है, एक तरह से वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन बहुत अच्छी ये है आईलाइनर, अच्छे से चलती है, काम करती है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से लगा लिया था। उसके बाद मैंने फिटमी का मैबलिन फिटमी का कंपैक्ट यूज़ किया है और अच्छे से अपने से चेहरे पर अच्छे से मैंने सेट कर लिया था अपने फाउंडेशन को। अच्छा ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ? लाइटिंग के हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद मैंने इंस्टेंट डाय का काजल यूज़ किया है। मैंने ब्लैक एंड वाइट दोनों लिया था, पर मुझे लगा कि ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने मेबलिन का ही मस्कारा यूज़ किया है। आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं इस तरह से तैयार होने के लिए। आपका जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसी प्रोडक्ट से अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल सा सिंपल लुक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बिगनर को काफ़ी अगर नहीं आ रही है तो आप इस तरह से धीरे धीरे करके अपने लुक को परफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आईब्रो बनाना, शायद मैं भूल गई थी, मुझे लगा था कि मैंने आईब्रो सेट कर लिया है। इसके बाद मैंने 6 ब्यूटी का जो आईब्रो पैलेट है उससे ही अपना आईब्रो को फिल कर लिया है। देखिए बिन आईब्रो और आईब्रो का आप मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा मैं लग रही थी आईब्रो को फिल करने के बाद। देखिए इसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था। हाइलाइटर के लिए मैंने पूरे सेट को मिक्स करके अपना हाइलाइटर यूज़ किया था। मैं ब्लश कल यूज़ करना चाह रही थी, ब्लश मैंने यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सिर्फ हाइलाइटर ही यूज़ किया था और अपने फेस को कंट्रोल भी नहीं किया था, क्योंकि मेरा फेस थोड़ी चौड़ी लग रही थी तो अच्छी लग रही थी साड़ी में। साड़ी में थोड़ी पतली फेस अच्छी नहीं लगती है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाइलाइटिंग एरिया, वहाँ वहाँ आपने हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद मैंने लिपस्टिक एनआईवी का लिया है और ये मिनी लिपस्टिक थी,
जिसे मैंने एनआरआई से परचेज़ किया था, उसे अच्छे से अपने एलईडी दिया था सॉरी अपने लिप पर लगा ले रही हूँ। उससे पहले अपने लिप को लिप बाम से आप मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं ताकि अच्छा सा लुक आपको क्रिएट हो सके। और आप देख रहे हैं मैंने लिपस्टिक यूज़ कर ली है, और मैंने थोड़ी सी रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ की थी। और ये मेरा फाइनल लुक है, कैसा लग रहा है जरा मुझे बताइएगा। तो क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ी सी फेस पर लाइटिंग नहीं आ रही है, एक लाइट के क्या क्या हो। तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे साथ कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और घर पर रहिए, सेफ रहिए आप सभी।